आपको खुद कलर टेक्सचर देख के समझ में आएगा कि इतना परफेक्ट बना हुआ है ये रसमलाई, और जिसको खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करेगा। देखिए एक भी टूटा बिखरा नहीं है। कि एक प्लेट में मैं निकाल रखी हूँ, मैं पहले आपको सॉफ्ट नट्स दिखा रही हूँ। तो इतना देखिए रूई जैसा एकदम है ना, एकदम दबाने पे फट 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 रस गिर रहा है, इस तरीके का होना चाहिए। मैं कट करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना अंदर अंदर तक एकदम रेसा रेसा गया हुआ है। तो इस तरीके के रसमलाई बनाएंगे और खिलाएंगे तो कौन तारीफ नहीं करेगा, एकदम बेहतरीन तरीके का। और यहाँ पे हमने रख भी लिया है, देख सकते हैं पानी में, आपको समझ में आएगा। और इस तरीके से देखिए मैं इसको इस तरीके से गाड़ती हूँ, दिख रहा है। फिर इसे मैं इसमें छोड़ूंगी तो आपको धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा। ये अपना प्रॉपर शेप ले लिया, तो ये परफेक्ट हो चुका है। देखिए बिल्कुल अपना साइज हो गया है ना, तो ये परफेक्ट एकदम हुआ है तरीके का। देखिए बिना चाशनी जाए इतना परफेक्ट जालीदार बने हैं, तो सोचिए कि जब रबड़ी के अंदर जाएंगे तो कितना परफेक्ट होगा। बनाइए और खिलाइए फैमिली को एकदम बेहतरीन तरीके का रसमलाई, जो एकदम इतना मुंह में जाते ही घुल जाए, इतना परफेक्ट है। तो चलिए देखिए रेहाना किचन में किस तरीके से बना हुआ है। 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लेंगे, दूध कच्चा है, उबाला हुआ नहीं है। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और रस मलाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दूध को हमें फाड़ना है। तो जिसके लिए हम एक भगोने में दूध को पलट देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है। दूध गाढ़ा लीजिएगा, कोई सा भी भैंस का हो, फुल क्रीम हो, तो ये दूध गाढ़ा होगा तो अच्छा छेना निकलेगा। दोनों पैकेट को हमने इस तरीके से डाल देंगे इसके अंदर। तो दूध को हम हाई फ्लेम पे एक उबाल देंगे। तो दूध में कच्चा हम विनेगर नहीं डालेंगे, दूध को फाड़ेंगे नहीं, दूध को अच्छा सा एक उबाल देंगे झाग वाला। तो सबसे पहले हम हाई फ्लेम पे इसे उबाल लेते हैं। दूध में एक हल्का सा झाग बनना स्टार्ट हो गया है, दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, नहीं तो दूध हमारा गिर जाएगा। तो इस तरीके से जैसे हो फ्लेम को हम लो कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और टेम्परेचर थोड़ा दूध का डाउन होने देते हैं। तो 2-3 मिनट का हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम विनेगर डालेंगे। लेते हैं हम वाइट विनेगर। तो वाइट विनेगर हम बहुत ज़्यादा या कम नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 लीटर दूध के लिए 2 चम्मच हम विनेगर इसमें डालते हैं। तो ये 2 चम्मच के करीब विनेगर है, हम विनेगर को भी नहीं डालेंगे। तो 1 कटोरी ले लेंगे, यहाँ पे विनेगर डाल देंगे और सेम इतना ही पानी रखना है। यहाँ पे इसी कटोरी से हम पानी ले लेंगे, ठीक से दोनों को सेम इक्वल कर देंगे। डायरेक्ट अगर विनेगर डालोगे तो वो दूध फटेगा, लेकिन थक्का थक्का, क्योंकि डायरेक्ट हम दूध में भी डालेंगे तो वो एक अलग सा ये हो जाएगा। इसलिए पानी में हम मिक्स करेंगे तो उसको थोड़ा थोड़ा हम फाड़ेंगे तो वो परफेक्ट छेना निकलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। एक को हम 1 स्पून के हेल्प से मिक्स कर देते हैं, वैसे भी मिक्स हो जाते हैं लेकिन फिर भी कर लेते हैं। मिनट हो गया है, इससे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो वो भी दूध अच्छे से नहीं फटेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमने विनेगर मिला के रखा है थोड़ा थोड़ा डालेंगे, 1-1 चम्मच के करीब, एक साथ हम नहीं डाल देंगे। तो इस तरीके से हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट लगातार नहीं डालेंगे, इस तरीके से 1-2 बार चला लेंगे ताकि इसका दूध का टेम्परेचर थोड़ा सा हो जाए सही। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे, फिर इसको इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा वेट करते रहेंगे ना तो वो आपका दूध बहुत अच्छे से फटेगा। तो इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा, परफेक्ट छेना फटेंगे। फिर यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे। तो जिस तरीके से फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ सेम इसी तरीके से करिएगा, देखिए आपका भी छेना एकदम परफेक्ट फट जाएगा। फिर यहाँ पर सारे पानी नहीं जो मिला था विनेगर में, इसको हम डाल देते हैं। तो देखिए दूध थोड़ा थोड़ा फटना स्टार्ट हो गया है। बस हम इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे 1-2 बार और थोड़ा सा हम वेट करेंगे। देख सकते हैं
येलो येलो पानी हो गया है, छेना एकदम अच्छे से निकल गया है। तो यहाँ पे हम ठंडा पानी थोड़ा सा एक गिलास के करीब डाल देंगे ताकि टेम्परेचर इसका थोड़ा सा डाउन हो जाए और जो छेना हार्ड खींचे ना, तो इस बात का हम ध्यान करेंगे। और फटाफट एक मलमल का कपड़ा लेंगे, का कोई नीचे बर्तन रख लीजिए और कोई जाली है नेट वाली या कोई भी छन्नी है तो आप ऐसे, आपके पास मलमल नहीं है तो आप रुमाल भी ले लीजिए। और इसमें हम क्या करेंगे, इस पानी को हम छेने को इसके अंदर डाल देंगे। टेम्परेचर डाउन करने के लिए और खट्टापन जो होता है उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे पानी डाल देंगे, इससे बिल्कुल खट्टापन निकल जाए। और इस तरीके से हम इसको रख लेंगे और इस तरीके से हम करेंगे। बहुत टाइट नहीं करना है, बहुत टाइट बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, छेना बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। सिर्फ इस तरीके से करना है, जो ये पानी निकल रहा है ना, सिर्फ इसी तरीके से आपको वेट करना है जब तक ये पानी निकल रहा है। देखिए अब पानी टपकना बंद हो गया, देख सकते हैं एक एक बूंद ऐसे हो रहा है। तो इस तरीके से हमें बहुत टाइटली नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो ये पानी टप टप हो गया, तो यहाँ पे हम करके और इसे कोई वज़न वाला चीज़ रखेंगे। से ऊपर हो गया है 7-8 मिनट, तो हम इसको हटा लेंगे। और इसका एकदम बिल्कुल हमें सूखा नहीं करना है, जो इस तरीके का हल्का हल्का मॉइस्चर बना हो तो इसे हम इस तरीके से ही करना है। देखिए परफेक्ट हो चुका है, तो इसे एक बर्तन में निकालेंगे। इस तरीके का खुला बर्तन ले लीजिएगा या आटा गूंथने वाला परात होता है बड़ा सा फैला, उसको रख लेंगे। देखिए इस तरीके का मॉइस्चर है ना, तो ये परफेक्ट छेना है। तो इसको हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं और साइड में करेंगे। और एक साथ हमें नहीं मसलना है, ये हथेली होता है ना, तो हथेली से पहले इस तरीके से हम लेंगे और हाथों से हथेली से हमें मसलना है। देखिए 2-3 बार इस तरीके से करते जाएंगे, फिर साइड में थोड़ा 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 इस तरीके से करते जाएंगे बिल्कुल, तो ये परफेक्ट होते जाएगा। इसी तरीके बार में ही होगा, जितने बेहतरीन से आप मसलोगे फ्रेंड, उतनी ही बेहतरीन आपकी छेना बनेगी, एकदम फटेगी नहीं और एकदम सॉफ्ट जूसी बनेगा। तो मेन ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी आपको समझ में आना चाहिए। कम से कम 5 मिनट हथेलियों से दबा दबा के हमें करना है, बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे मैदा गूंथते हैं आटा गूंथते हैं ना, उसी तरीके से जब तक सॉफ्ट ना हो आपके हाथ से उस तरीके से करते रहना है। देखिए जितने 3-4 बार आप कर लेंगे स्मूथ होते जाता है, तो इस तरीके से ही करना है 5 मिनट तक एकदम। 5 मिनट हो गया इस तरीके से, देखिए एकदम सॉफ्ट हल्के हो जाते हैं इसको मसलने पे, ये बिल्कुल हल्के हो गए हैं। तो यहाँ पे इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि जिससे एकदम परफेक्ट छेना को जब हम उबालें इसको पकाएं तो ये टूटे ना एकदम और हार्ड ना बने, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डालूँगी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहो तो 1 चम्मच मैदा डाल सकते हैं, चावल का आटा मत डालिएगा। और बहुत ज़्यादा हमें कॉर्नफ्लोर डालना भी नहीं, और इसे मसलने के लिए भी सिर्फ हमें 5 मिनट ही मसलना है। ज़्यादा मसल देंगे तो इसमें खिंचावपन आ जाएगा, फिर वो जो सॉफ्ट वाले होते हैं आपके रसमलाई वो नहीं बन पाएंगे, तो इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तो इसे बस हमें बहुत कॉर्नफ्लोर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, डाल के 2-3 बार सिर्फ हाथों से इस तरीके से कर देना है, क्योंकि ज़्यादा अगर कॉर्नफ्लोर डाल दें या ज़्यादा ही करेंगे तो ये खींचने लगेगा और फिर हार्ड सा होगा, फिर वो जूसी वाले जो होते हैं परफेक्ट वो नहीं बनेंगे। तो ये परफेक्ट हो चुका है, तो फटाफट हम इसको सेव देंगे। तो यहाँ पे हम सारे को साइड में करते हैं इस तरीके से, और मैं करके दिखाती हूँ, बिल्कुल आसान है। देखिए इस तरीके से लीजिए और इस तरीके से पहले गोल सा जैसे लड्डू होते हैं ना, उस तरीके से हमें कर लेना है हथेलियों के बीचों बीच में, और बस हल्का सा प्रेस करना है, ऐसी करना है, बहुत ज़्यादा हमें चपटा नहीं करना है। जैसे हम सारा बना लेते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं सारे हमने छेने को इस तरीके से बना लिया है, एकदम परफेक्ट साइज है। ये जब जाएंगे छेने के अंदर चाशनी के तो बहुत बड़े बड़े फुलके हो जाएंगे। तो इसे रखते हैं फटाफट, एक खुला बर्तन रखते हैं गैस पे जिसमें परफेक्ट कुक होगा।
इस तरीके से खुला बड़ा बर्तन रखिएगा, जिससे क्या होगा जब हम छेने को अच्छे से कुक करेंगे तो वो फेंकते हैं, इधर उधर फैलते हैं, तो वो फटते नहीं और साइज एकदम परफेक्ट गोल गोल निकलते हैं, तो इसलिए खुला बर्तन रखिएगा। तो चलते हैं फटाफट गैस पे। हमें बहुत चाशनी नहीं बनानी है, बस अच्छे से सिरे को खौलाना है, जैसे जो खौलाते हैं चिपचिपी से भी कम, तो वो हमें करना है, गाढ़ी चाशनी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम 250 ग्राम, 1 केजी छेना जो हम बनाते हैं रसमलाई, तो एकदम 250 ग्राम चीनी परफेक्ट है। तो इसी से सेम माप रखेंगे, तो आप 6 कप या 7 कप पानी ले लीजिए, इससे परफेक्ट होगा। तो मैं 6 कप इसी से पानी डाल रही हूँ। इस तरीके से हम ले लेंगे 6 कप, हम ऑन कर देंगे। तो इस तरीके से हम देखिए पानी डाल दिए हैं, मिक्स हो गई है, तो इसे हम उबाल आने देते हैं अच्छे से, जब तक 5 मिनट अच्छा सा उबाल आ जाए। 5 मिनट तक इसे हम उबलने देते हैं हाई फ्लेम पे। इस तरीके से देख रहे हैं एकदम हाई फ्लेम पे उबल रहा है, तभी हमें जो हमने छेना को बना के रखा है उसको हम एक एक करके इस तरीके से छोड़ेंगे इसके अंदर, जब वो भी 5 मिनट हो जाए, 5 मिनट से पहले नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें इसके अंदर डालना है, तो एक एक करके हम इसके अंदर डालेंगे, देखिए, और फ्लेम को हाई रहने देंगे, क्योंकि टेम्परेचर जो है इसका हाई होना चाहिए, तभी एकदम परफेक्ट साइज लेंगे। आराम से इस तरीके से हमें छोड़ देना है, देखिए। से हमने सारे को डाल दिया, देख सकते हैं स्पेस, इसीलिए मैं बोली हूँ खुला रहेगा, तो ये एकदम अलग अलग रहेंगे इस तरीके से। तो देखिए इसी तरीके से हमें अभी 5 मिनट तक छोड़ना है, कुछ भी छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सारे को हम इसी तरीके से हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा एकदम देख सकते हैं कि पानी का, क्योंकि गैस का कोई कोई फ्लेम बहुत हाई होता है और बहुत गैस मीडियम चलते हैं, तो वो आपको गैस का फ्लेम तय करना है। अगर बहुत ज़्यादा उससे निकल रहा है तो आप थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए, फिर टेम्परेचर अगर डाउन होते हैं तो फिर हाई कर दीजिए। मेरे गैस का फ्लेम ना हाई है ना ज़्यादा लो है, मीडियम है, तो इसलिए हम हाई फ्लेम पे ही इसको कुक कर रहे हैं। तो 5 मिनट तक हम वेट करते हैं, अभी लिड नहीं लगाएंगे, 5 मिनट तक हम खुले में ही इसको उबालेंगे, हाई फ्लेम पे पकने देते हैं। पकना स्टार्ट हो गया है, साइज में भी बड़े होने लगे हैं, अभी और भी बड़े होंगे। तो एक भी देख सकते हैं छेना जो रसमलाई है बिल्कुल एक भी नहीं फटी हुई है, और बहुत अच्छा देखने में भी लग रहा है कि एकदम परफेक्ट जूसी होगा। तो 5 मिनट जब हो जाए तो हम इसको पलटना स्टार्ट करेंगे, स्पैचुला लेंगे और एक एक को हम आराम आराम से इस तरीके से पलट देंगे, बिल्कुल आराम से पलटना है, बिल्कुल आराम से पलट भी जाते हैं ये, तो सारे को हम इस तरीके से ध्यान से ही पलटेंगे, बिल्कुल देखिए। कैसे हमने सारे को पलट लिया, देख सकते हैं कितना परफेक्ट एकदम एक से एक घूमने लगा है, तो ये परफेक्ट हो रहे हैं। हम लिड लगा देंगे और 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसे कुक करेंगे, क्योंकि 5 मिनट हमने पहले खोल के किया था, और 15 मिनट और 20 मिनट में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसे साइड पे करते हैं, फटाफट रबड़ी बनाते हैं रसमलाई के लिए। हम गैस पे कढ़ाई रखते हैं, एक तरफ हम कढ़ाई रखते हैं और दूध ये उबाला हुआ है, तो मलाई इसके अंदर हमें नहीं डालना है। तो 1 लीटर ये दूध है, सारे दूध को हम मलाई हटा के ले लेते हैं इस तरीके से, रखना है। और हम रस मलाई बना रहे हैं, तो केसर के बिना तो ये बन नहीं सकते हैं कुछ, तो कम से कम 15 से 20 धागे हम केसर के इसके अंदर डाल देंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट होगा। एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं केसर के धागे को इसके अंदर, देखिए। अब फ्लेवर के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डालेंगे इलायची पाउडर, एक बार ज़रूर डालिएगा। रसमलाई जब आप कभी भी बनाए रबड़ी में, तो एक छोटी चम्मच से 1 चम्मच हम इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे हम मिक्स करते हैं। हलवाई वाला एकदम
कलर आता है, तो हम यहाँ पे 1 पिन से भी कम इस तरीके से फूड कलर ले लेंगे और इसे हम मिक्स कर देंगे। जो आप देखते हैं ना येलो येलो एकदम कलर आते हैं रबड़ी के, वो हमें इसके अंदर लेके आना है। परफेक्ट, तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कलर आ गया है। तो हम ड्राई फ्रूट ले लेंगे पिस्ता और बादाम, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो एक बार ज़रूर डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हम चीनी ले लेंगे, अच्छा सा उबाल आने लगा है, बहुत गाढ़ा हमें रबड़ी नहीं बनाना है, तो यहाँ पे हम 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। आप कम ज़्यादा मिठास अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 लीटर के लिए परफेक्ट 4 चम्मच चीनी ले रही हूँ। इसे मिक्स कर देते हैं इस तरीके से। ये रबड़ी में थोड़ी सी खुशबू और फ्लेवर भी आना चाहिए, तो रोज वाटर, एक ढक्कन में इसमें रोज वाटर डाल दूंगी। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना, तो इसके एक एक रस पिएंगे तो इतनी अच्छी टेस्ट और खुशबू दोनों। रबड़ी एकदम परफेक्ट हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा परफेक्ट देख सकते हैं एकदम बन चुका है, तो इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। जब इसके अंदर डालेंगे ना तो एकदम अच्छे से सोक करेगा और एकदम बेहतरीन जूसी बने। गाढ़ा कर देंगे तो वो अच्छे से नहीं होगे। तो फटाफट हम गैस के फ्लेम को बंद करते हैं, जो ड्राई फ्रूट भी डाले हैं वो भी एकदम नरम पड़ गए हैं, तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। फट हो गया, इसे भी खोल के देख सकते हैं कितने बड़े बड़े और एकदम फूल के इतने मस्त हुए हैं कि हलवाई भी एकदम देख के हैरान हो जाएंगे। इतना बेहतरीन रस मलाई और रेहाना किचन में, तो बनाइए फ्रेंड्स और इंजॉय करिएगा। तो देख के लग रहा है ना कि एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो इसको निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चिल्ड पानी में इसे डालते हैं। तो जब तक हम चिल्ड पानी एक कटोरे में फटाफट आइसिंग रख करते हैं, को निकालने से पहले हम एक बाउल्स में रखेंगे ठंडा पानी और कुछ आइसिंग डालेंगे इसके अंदर। इस तरीके से हम आइसिंग डाल देते हैं एक कटोरे में। तो चिल्ड वाटर में एक हम इसके अंदर से रसगुल्ले को निकालेंगे का यह है कि एक हम निकालेंगे और इसको हम डाल देंगे। अगर ये नीचे बैठ गया तो एकदम परफेक्ट कुक हो गया है, अगर बैठेगा नहीं ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। इसको थोड़ा सा टेम्परेचर, क्योंकि गर्म में करेंगे तो ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको टेम्परेचर डाउन करने के लिए चिल्ड पानी यूज करते। तो देखिए ये बिल्कुल बैठ गया है, तो ये परफेक्ट हो चुका है। तरीके से एक एक करके हम डालते जाएंगे आराम से। बिल्कुल हम इसी तरीके से डाल लेते हैं, तो कर लिया, देख सकते हैं एकदम सब एक पे एक बैठ गया है। तो इसे हम तुरंत नहीं निकालना है, इसका टेम्परेचर डाउन करना है, तो इसे हम 5 मिनट तक इसी तरीके से आइसिंग वाले पानी में छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गया है, एक मैं आपको निकाल के पास से दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से भी एकदम परफेक्ट हो गई है। देख सकते हैं कलर कितना परफेक्ट आया हुआ है हलवाई वाला। हमें इस तरीके से निकाल के नहीं डालना है, हाथों पे रखेंगे, हथेली से इस तरीके से इसको चपटा करना है। देखिए दबा देंगे, और ये नहीं कि चपटा हो जाएगा तो इस तरीके से बेकार होगा, नहीं, इस तरीके से हमें कर लेना है, पूरा ही रस नहीं निकालना है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो इस तरीके से हम रबड़ी के अंदर डाल देंगे, तो जैसे रबड़ी के अंदर जाएगा ना तो वो एकदम प्रॉपर शेप ले लेगा। इस तरीके से हम इसको दबा लेंगे। एक को मैं कट करके दिखाती हूँ कि कितना अंदर से ये जालीदार बने हैं, तो आप खुद देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए आप खुद देख के पता चल रहा है ना कि एकदम, तो ये चीज़ होना चाहिए तो परफेक्ट बनेगा आपकी भी रसमलाई। तरीके से एक एक निकालेंगे, चाहो तो आप एक प्लेट में भी रख सकते हैं, इस तरीके से हाथों से दबा देंगे। देखिए इस तरीके से हमें करना है दोनों साइड से, बिल्कुल, और इस तरीके से चाहे तो एक प्लेट में रख लीजिए, नहीं तो इसके अंदर हम
डालते जाएंगे, मैं साथ साथ डालते भी जा रही हूँ, तो परफेक्ट है ये। बिल्कुल आप मत डरिएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो सारे को हम इसी तरीके से करेंगे और रबड़ी के अंदर डालते जाएंगे। दोनों साइड से मैं कर रही हूँ, देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम पतला है ना, लेकिन ये जाते ही अपना रबड़ी के अंदर शेप ले लेगा। तो सारा मैं कर लेती हूँ। कढ़ाई के अंदर जितने भी हैं हम सारे को अच्छे से डीप कर देंगे, जैसे एकदम परफेक्ट हो जाए। और इसे हमें तुरंत सर्व नहीं करना है, तो इसे क्या करेंगे कि 5 मिनट के बाद किसी बर्तन में पलट के और हम इसे फ्रिज के अंदर डालेंगे। फ्रीजर के अंदर मत डालिएगा, क्योंकि रबड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, तो 1 से 2 घंटे के लिए हम फ्रिज के अंदर रख देंगे। जब हम सर्व करें तो रबड़ी ठंडी ठंडी रसमलाई हो रबड़ी के साथ, तो वो एकदम खाने में मज़ा आता है। तो अभी हम इसको इसी तरीके से 5 मिनट छोड़ते हैं। 5 मिनट हो गया है, मैं एक उठा के दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से देखिए अभी और भी सॉफ्ट होंगे और जूसी, देखिए कितना रस अभी भर गया 5 मिनट के भीतर। तो सोचिए 2 घंटे जब फ्रिज के अंदर होंगे तो इसके अंदर कितने रस जाएंगे। तो फटाफट एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र करते हैं ये फ्रिज में, तो एक फटाफट बाउल्स रखेंगे और इस तरीके से हम अंदर डालते हैं। देखिए चाहो तो आप अपने फ्रिज में अगर रखना चाहते हैं, अगर आपके फ्रिज में बहुत तीखा मीठा सब सामान रखा हुआ है, आप को समझ में आए कि इसमें फ्लेवर कोई मिक्स ना हो, तो इसको आप पन्नी से कवर कर सकते हैं। लेकिन बट मेरे फ्रिज में अभी वैसा कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ मैं एक प्लेट से ढक दूंगी और इस तरीके से फ्रीजर में नहीं सिर्फ फ्रिज में 1.5 से 2 घंटे के लिए रखते हैं, तभी खाने पे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। मैंने फ्रिज में 2 घंटे रखने के बाद मैं दिखा रही हूँ कितना फूला फूला एकदम परफेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, मैं आपको हाथ में लेके दिखा सकती हूँ कि कितना जूसी बना है। देखिए टप टप रस गिर रहा है और सॉफ्ट तो पूछना नहीं। तो फटाफट सर्विंग कर लेने चलते हैं प्लेट में तरीके से, और परफेक्ट एकदम हलवाई वाला सुपर सॉफ्ट रसमलाई रेहाना किचन में बन चुका है। और आप ट्राई करिए, कमेंट करिए वीडियो पे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।